श्री नाथ जी गुरु जी को अलख आदेश, माँ भगवती को अलख आदेश, रांची वाले भैरव बाबा को अलख आदेश, आप सभी को आदेश आदेश। मंत्र यंत्र और तंत्र तीनों जब मिलते हैं तो साधनाएं होती हैं। मैंने मंत्रों की बहुत जानकारी दी आप लोगों को, अब मैंने बोला था कि मैं आप लोगों को यंत्र की जानकारी दूंगा, क्योंकि जब मंत्र यंत्र के ऊपर चढ़ता है, जब वो वाइब्रेशन यंत्र के साथ मिक्स होता है तो वो यंत्र एक्टिवेट होता है और फिर तंत्र काम करता है। बिना यंत्र के सिर्फ मंत्र जाप निरर्थक होता है। मंत्र के प्रभाव से आप देवताओं को खुश कर सकते हैं, आप अपनी शक्तियों को जागृत कर सकते हैं, आप पे कृपा बरसनी शुरू हो जाती है, लेकिन अगर आपको तंत्र करना है तो तंत्र करने के लिए आपको यंत्रों की जानकारी होनी बहुत ज़रूरत है। आज जिस यंत्र के बारे में हम बात कर रहे हैं, इस यंत्र को परम कल्याणकारी महायंत्र बोला जाता है। ये एक यंत्र है जो 2500 यंत्र का काम अकेले करता है। जो गृहस्थ हैं, जो घर में पूजा पाठ करते हैं और जिन्होंने किसी पंडित का दिया हुआ एक शनि यंत्र रखा है, एक लक्ष्मी यंत्र रखा है, एक कुबेर यंत्र रखा है, एक कैलाश यंत्र रखा है और इस तरीके का बहुत सारा यंत्रों का जिन्होंने संयोग बना करके रखा है और फिर भी उनको फल नहीं मिल रहा है, तो उनके लिए ये यंत्र बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि यंत्र जो है ना, वो एनर्जीज को, जो उसके आसपास के एनर्जीज है, उसके साथ कम्युनिकेट करती हैं और फिर उसके हिसाब से आपके घर के एनवायरनमेंट में बदलाव करती है। तो बहुत बार बहुत सारे यंत्रों का ये प्रभाव होता है या कहे दुष्प्रभाव होता है कि जो आपके बढ़ोतरी में जो यंत्र काम कर रहा है, उन यंत्रों वैसी एनर्जीज को भी ये यंत्र जो है न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो कई बार जब आप वास्तु के या फिर पंडितों के दिए हुए यंत्रों का प्रयोग कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि आप बढ़ने के बदले घट रहे हैं। तो ऐसा रिस्क लेना नहीं चाहिए। यंत्र हमेशा बहुत ही प्रकांड तंत्र के जानकार से ही लेना चाहिए। पूजा कराने वाले या पंडितों का काम यंत्र देना नहीं है, ना उसको वो जागृत कर सकते हैं, खरी बात है। और तंत्र जो करते हैं वो आपको जल्दी यंत्र देंगे नहीं, क्योंकि यंत्र देने का मतलब होता है कि एक पूरा मंदिर का व्यवस्था आपके घर में खड़ा हो जाना। तो आज जो यंत्र आपको बताऊंगा, अभी आपके स्क्रीन पे वो यंत्र आएगा, एक मिनट तक रहेगा, बस इस यंत्र को देखिएगा, एक भोज पत्र लीजिएगा, ठीक है, एक अनार का कलम लीजिएगा और केसर का इंक होगा, दवात जो है वो केसर से बनवाइएगा और इससे इस यंत्र को बना लीजिएगा। इस यंत्र को बना करके जिस तरीके से आप पूजा पाठ करते हैं उस हिसाब से इसका पूजा पाठ करके इसको ढंग से फ्रेम करवा करके अपने पूजा स्थान पर टांग लीजिए। ये एक मंत्र, एक यंत्र है जिससे हर तरीके का कार्य आपका संपन्न सिद्ध होगा। किसी भी तरीके के तांत्रिक क्रियाओं में आप है तो वो भी सिद्ध होगा, हर देवी देवता आपके प्रसन्न होंगे और आपके घर में किसी तरीके का अगर वास्तु दोष है या कोई भी दोष है तो इस यंत्र का रोजाना पूजा पाठ करने मात्र से ही वो दोष आपके घर से दूर हो जाएगा। ये नाथों का एक अचूक यंत्र है, आप सभी इसको बनवा के अपने घर में टांगें, पूजा घर में, और इसका हमेशा पूजा करें। श्री राम, माता सीता आप लोगों पे हमेशा कृपा बरसाए रहे, गृहस्थ जीवन आपका सुखी रहे, ऐसा मैं कामना करता हूँ। जिनको साधना सीखनी है तो वो शुरुआत कर सकते हैं साधना के व्हाट्सएप, साधना के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, शुरुआती साधना इसी में मैं सिखाता हूँ, उसका शिविर होता है। जिनको भूत प्रेत में इंटरेस्ट है वो मेरी किताब है हैंडबुक फॉर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर खरीद सकते हैं। मुझसे डायरेक्ट बात करने के लिए कॉल मी फॉर ऐप पर जाइए, उसको इंस्टॉल कीजिए और रुद्रनाथ टाइप कीजिए तो मुझसे बात हो सकती है। इसके अलावा वेबसाइट पर जाके आप मेरा अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। आप सभी को आदेश आदेश, अलग आदेश।